हेलो एवरीवन, माय नेम इज श्रवण रेगर एंड आई एम फर्स्ट ईयर एमबीए स्टूडेंट एट आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर। जैसा कि आपको पता है कि नीट 2024 एग्जाम के लिए सिर्फ बचे हैं 15 दिन। आई होप आप सभी अच्छे से मॉक टेस्ट दे रहे होंगे और आपके मार्क्स भी अच्छे आ रहे होंगे, पर आपको इस टाइम पे नर्वसनेस भी फील हो रही होगी कि नीट 2024 का एग्जाम कैसा होगा, इजी होगा या हार्ड होगा, मेरे मार्क्स आएंगे कि नहीं। करीब एक साल पहले मुझे भी यही लग रहा था, पर इस टाइम आपको इन सभी बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना है और ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। जितने भी दिन बचे हैं उनको आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है और पढ़ाई पे लगाना है। अब सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं कि आपको इन सब्जेक्ट में किस तरह लास्ट टाइम में रिविजन करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं बायोलॉजी में। अभी जितने भी दिन बचे हैं उसमें जितना हो सके एनसीईआरटी का रिवीजन कर लेना है और डायग्राम की लेबलिंग देख लेनी है। नीट 2024 में 3-4 सालों से एनसीईआरटी से ही पेपर आ रहा है। आई होप इस साल भी एनसीईआरटी से पेपर आए। अगर आपने नीट 2024 एग्जाम से पहले एनसीईआरटी को 7-8 बार रिवाइज कर लिया है और साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर ली है, आप इजिली 340 प्लस स्कोर कर पाएंगे। नाउ कम टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो फिजिक्स में और केमिस्ट्री में आपने जो भी नोट्स बनाए थे उनको आपको 2-3 बार रिवाइज और कर लेना है और जो शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूला शीट को डेली रिवाइज करते रहना है। बाकी जो भी क्वेश्चन आपके मेजर टेस्ट या मॉक टेस्ट में गलत हो रहे हैं या आप उन्हें स्किप कर रहे हैं, उन्हें आप वापस घर पर आकर सोल्व जरूर करें, जिससे अगर वो क्वेश्चन नीट एग्जाम में आ जाए तो आप उन्हें बस सोल्व कर सकें, उस क्वेश्चन को छोड़ के आने की जरूरत ना पड़े। आई होप आपने पीवाईक्यू को अच्छे तरीके से किया होगा। आपको अभी इन तीनों सब्जेक्ट में सिर्फ इन तीन चीजों पर ध्यान देना है, पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट एंड रिवीजन। अभी आप ज्यादा से ज्यादा बायो और केमिस्ट्री पे ध्यान दें क्योंकि इनमें याद रखने वाली चीजें बहुत ज्यादा हैं। बाकी फिजिक्स में तो आपने जो 1-2 साल क्वेश्चन प्रैक्टिस की होगी वही काम आएगी। आपको इन 15 दिन में इन बातों का जरूर ध्यान रखना है कि 6-7 घंटे की मिनिमम स्लीप जरूर लेनी है जिससे आपकी बॉडी को रेस्ट मिले। उसके बाद आता है कि आपको दोपहर 2 बजे से लेकर 5:20 तक एक्टिव रहना है क्योंकि इसी टाइम आपका नीट एग्जाम होगा। अगर आप इस टाइम पर एक्टिव रहेंगे तो आपका नीट एग्जाम भी अच्छे से जाएगा और अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। उसके बाद आती है पॉजिटिव थिंकिंग। आपको अपने मन में यही थॉट लाना है आप नीट क्रैक कर लोगे। इन 15 दिन में अच्छे से और मेहनत करनी है और स्ट्रेस नहीं लेना है। जितने भी दिन बचे हैं उन्हें आपने अल्टरनेट मॉक टेस्ट देने हैं, मतलब एक दिन छोड़कर एक दिन मॉक टेस्ट देने हैं, बाकी के दिन आप रिविजन कर सकते हैं।